भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये 4G बेस है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, 4G बेस से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। क्या मतलब आपने जो 4G बेस चलाई सर, वो 4G बेस से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर 4G बेस से जुड़ा था मैं। आप इसे पढ़ा हूँ मैथ, मैंने आप इसे पढ़ा है 4G बेस सर। आप लोग शुरू करवाए बस पहला क्लास से हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। 4G बैच जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। SSC GD 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले 4G बैच के साथ SSC मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी 4G बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी, पाइए SSC GD 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच 4G बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का 4G बैच और करें SSC GD में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और SSC मेकर ऐप डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSC मेकर में। एक बार सभी बच्चे बताएं कि आवाज आप तक आ रही है या नहीं, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और जैसा कि आप सभी जानते हो आज है 30 नवंबर, यानी कि इस मंथ का लास्ट। तो आज हम यहाँ पर पूरे मंथ का आपका रिविजन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो नहीं पढ़े है ना, जो कंटिन्यूटी में क्लास नहीं कर पाए, डेली क्लास नहीं कर पाए, उनके लिए एक चांस यहाँ पर होता है कि वो पूरे मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कर लें। जो बच्चे डेली क्लास लेते हैं उनके लिए रिवीजन की तरह काम करता है ना। तो आप सभी बच्चों से एक बार रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास एक बार ये सभी बच्चों तक, उन बच्चों तक पहुँचे जो डेली क्लासेज नहीं करते। स्वागत है आप सभी का। धनंजय, सुधीर, सचिन, सुप्रिया, चंदन, तारा, श्वेता, अनीश, प्रियंका दास, लंकेश, छवि, शंकर, पंकज, अबरीश, शिव, सौम्या, लक्की, श्वेता, दीपक, बिट्टू, चंदन, जितेंद्र, चंदा यादव, सोली राजपूत, अनूप, ललित। चलिएगा भाई, कैसे हो एक बार सभी बच्चों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन टाइम वेस्ट ना करते हुए। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो सेशन होगा इसमें जो है क्वेश्चन आंसर ही कराए जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि जिस प्रकार से हम डीप जाकर वहाँ पर चीज़ों को समझते थे क्वेश्चंस की, वो आपका डेली क्लास में चलता है। आज हम इसको रिवीजन के तौर पर लेंगे। आप सभी जानते हो कि रिवीजन आप कैसे करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व जेलीफिश दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑन विच डे इज वर्ल्ड जेलीफिश डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या फिर 6 नवंबर। तो जेलीफिश दिवस हम किस दिन मनाते हैं, आपको क्या करना है, विद इन अ सेकेंड आंसर करना है। विद इन अ सेकेंड में आंसर आपको देना है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 3 नवंबर में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा। Who will host the second edition of World Food India 2023? भारत करेगा, ब्रिटेन करेगा, अमेरिका करेगा या फिर कनाडा करेगा। सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत में भी न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए सही होगा। ठीक है ना, इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में 19 नवंबर को 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा गांधी मैराथन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, क्योंकि 19 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, इंदिरा गांधी जी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है और 38वीं अखिल भारतीय मैराथन रेस का आयोजन किया गया प्रयागराज, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर लेह में, कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपका ए, यानी कि प्रयागराज में। वेरी गुड, है ना, कहां पर? प्रयागराज में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं इस मैराथन को जीतने वाले जो पुरुष थे उनका नाम क्या है? आपको पता है, मैंने आपको कराया था, आपके ध्यान भी होगा, जल्दी से एक बार बताएंगे कि इनको जीतने वाले जो पुरुष खिलाड़ी थे, पुरुष एथलीट थे, इनका नाम क्या है? जल्दी से फटाफट आंसर करना है जो आपसे पूछा जाए, और सभी बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे वीडियो के लास्ट में, तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा, है ना, ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारत ने विश्व कप 2023 के दौरान 302 रन से किस टीम को हराकर दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, नीदरलैंड को हराया था, श्रीलंका या फिर नेपाल, किसको हराया था भाई? जसवंत सिंह, रेनू सिंह, बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, पीकू कुशवाहा, वेरी गुड। कौन थे? जसवंत सिंह थे और रेनू सिंह थी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, श्रीलंका। किसे हराया था? श्रीलंका को 302 रन से हराकर इस वर्ल्ड कप में, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी जीत दूसरी इन्होंने दर्ज की थी श्रीलंका को हराकर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, हाल ही में भारत व किस देश में मध्य मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो भारत व किस देश के मध्य ये आपका मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका, इटली, यूक्रेन व ताइवान। सही आंसर हो जाएगा इटली। आप सभी जानते हो इटली की राजधानी रोम है, और यहां की प्रधानमंत्री कौन है जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। अभी यहां पर आपके ध्यान होगा, इटली में एक क्या है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, जिसमें अभी उद्गार हुआ है, उदागर हुआ है, विस्फोट हुआ है, नाम बताइएगा। चलिए, वर्ष 2024 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? कतर करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, सऊदी अरब करेगा या फिर रशिया करेगा? तो ये करेगा आपका सऊदी अरबिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया भाई, जॉर्जिया मेलोनी, बिल्कुल ठीक है। मुझे पता था ये नाम आप नहीं भूलने वाले, ये नाम आप नहीं भूलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भारतीय नागरिकों को बिना वीजा अनुमति प्रदान करेगा या की है? थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, वियतनाम हो गया, श्रीलंका हो गया। ध्यान रखना, ये दक्षिण पूर्वी एशिया देश की बात कर रहे हैं। इसका सही आंसर वैसे थाईलैंड है, श्रीलंका भी कह चुका है कि बिना वीजे के भाई साहब आ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मलेशिया कह चुका है भाई आ जाइएगा, हम आपको बिल्कुल स्वागत करते हैं, 30 डेज के लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ वीजा यहाँ पर मलेशिया में घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों देशों के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है ना। श्रीलंका भी श्रेणी में आ चुका है और अभी मलेशिया ने भी घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में जींस व टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? अब यहां आप क्या पहनकर नहीं जा सकते, जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकते, बड़ा अच्छा ये किया गया, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश या असम के द्वारा? जल्दी से आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करना है और इसको इंपोर्टेंट पर लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं भाई, जल्दी से आंसर कीजिएगा फटाफट। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, देरी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी है। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? ध्यान रखना, नवंबर माह में, आपके याद होगा नवंबर में, 9 नवंबर में क्या हुआ था, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, तो उसी के उपलक्ष में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन करेंगे, जिसका आयोजन उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था, और इसमें उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर धिंगसामी, कौन है, पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने प्रतिभाग किया था भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की साइमा जावेद दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का
WHO नेतृत्व करेगी। क्वेश्चन समझिएगा क्या कहना चाहता है कि हमारा जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है इस क्षेत्र का नेतृत्व करेगी किस संगठन में, WHO में यानी के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। कहां पर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये पहली महिला बनी है बांग्लादेश की, ये पहली महिला बनी है बांग्लादेश की जिनका नाम है साइमा जावेद। WHO की तरफ से, सॉरी बांग्लादेश की तरफ से ये नेतृत्व करेंगी किसका, WHO में दक्षिणी क्षेत्र का हेड इनको नियुक्त किया गया है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस देश में मनाया जाता, किस दिन, सॉरी देश नहीं, किस दिन इसको करेंगे भाई, इसको सही कीजिएगा, किस दिन इसको मनाया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 नवंबर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 नवंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, काफी बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, जिसमें पीकू कुशवा है, सोना बिस्ट है, फ्रॉम हरियाणा है भाई, श्रीलंकेश है, प्रीतम सिंह है, माधुरी सिंह है, और तमाम ऐसे मीना राठौर, आर्मी बॉयज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में भारत के किस तटरक्षक युद्ध पोत को सेवानिवृत्त कर दिया गया? समर है, गोमती है, कलकत्ता है, या फिर गोवा है? ध्यान रखना नवंबर माह में जो सेवानिवृत्त किया गया ये INS समर को नियुक्त किया गया। अभी हमारे जो न्यूज में रहे INS सुमेधा न्यूज में रहे, समर न्यूज में रहे भाई, ठीक है ना, INS कोरा न्यूज में रहा, अभी हम उनको भी देखेंगे, आने वाले क्वेश्चंस में आपको वो मिलेंगे। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए चैटबॉट ग्रोइक को लॉन्च किया गया है, यानी कि चैटबॉट है जिसको लॉन्च किया गया, ये फेसबुक के लिए लॉन्च किया गया, ये एक्स यानी कि ट्विटर के लिए लॉन्च किया गया, ये व्हाट्सएप के लिए लॉन्च किया गया, या फिर ये इंस्टाग्राम के लिए लॉन्च किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि एक्स यानी कि ट्विटर के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसके लिए? ट्विटर के लिए इसको लॉन्च किया गया भाई। ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा की? टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चाइना की वन बेल्ट वन रोड योजना है, ये परियोजना है, इससे अलग हुआ है रशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस या फिर म्यांमार? तो ये फिलीपींस ने अलग होने की इससे घोषणा कर दी है भाई, ठीक है ना, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते, आपकी जो नीति है बड़ी खराब है, ठीक है, ध्यान रखना, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसको समर्थन नहीं करता, ठीक है ना, किसे? वन बेल्ट वन रोड, जिसको हम OBOR कहते हैं, ये चाइना की एक पॉलिसी है, पूरे विश्व को घेरने की पॉलिसी है विद ट्रेड विद व्यापार। हाल ही में निम्न में से किस आयोग के द्वारा एकीकृत व्यय निगरानी सॉफ्टवेयर, जिसको हम IEMS कहते हैं, लॉन्च किया है? ये महिला आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा निगरानी रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षिका है ये है रेखा शर्मा, याद रखेंगे, हैंड इन हैंड करते हैं चाइना के साथ में, बहुत बढ़िया। हाल ही में भारत के बाहर किस शहर में वाइब्रेंट गुजरात अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन किया गया? यानी कि वाइब्रेंट गुजरात एक सम्मेलन होता है, एक प्रदर्शनी होती है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक रोड शो का आयोजन किया गया, कहां पर यह किया गया है? दुबई में। ऑप्शन नंबर यहां पर 1 सही हो जाएगा। दुबई कहां पर है? UAE में है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि हमारे नेशनल स्तर पर जो कैंसर एक बीमारी है जिसमें कुछ अफवाहें भी हैं, कुछ सही भी हैं, तो उनके बारे में जागरूक करने के लिए, जैसे अफवाहें क्या है कि ये छूने से फैलता है, तो इस अफवाह को दूर करने के लिए क्या किया गया है, ये जागरूकता अभियान चलाया गया 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या फिर 4 नवंबर? तो इसको 7 नवंबर में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा यहां पर आपका? बी सही होगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को तटरक्षक हेलीकॉप्टर है भाई ये देने की घोषणा की है? यानी कि तट की रक्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर देने की घोषणा की है, वियतनाम, श्रीलंका, फिलीपींस या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 18, तो यहां पर फिलीपींस को ही इन्होंने कहा है कि आप अपनी तट की रक्षा कीजिए, क्योंकि चाइना इनको कभी कभी आंख दिखा देता है,
ठीक है ना, दक्षिणी चाइना सी में आपने देखा भी होगा कि वो अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए है ना कभी कभी युद्ध अभ्यास वहां पर करता है, कभी कभी इनके क्षेत्रों में अपने जो INS होते हैं, सॉरी जो युद्ध पोत होते हैं उनको भेज देता है। ठीक है, तो यहां पर सी सही हो जाएगा। हाल ही में निम्न में से कौन भारतीय क्रिकेट प्लेयर सबसे कम पारी में 49 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला प्लेयर बना है? हालांकि ये क्वेश्चन अब बदल चुका है, अब तो आपसे पूछा जाएगा कि 50 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला ऐसा बल्लेबाज कौन है जिसने सबसे कम पारियां ली? तो ये विराट कोहली है। विराट कोहली को याद रखिएगा भाई, है ना, विराट कोहली को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, कोहली होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक कर लेना कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरा लाल समारिया हैं, वजाहत हबीबुल्ला हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं या बीमल जुल्का हैं? तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हीरा लाल समारिया को बनाया गया, इनसे पहले यशवर्धन कुमार सिन्हा हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का CEO व MD नियुक्त किया गया है? दीपेश नंदा है, साइमा वाजेद जावेद है, भाई ये वाजेद का देखो इन्होंने क्या किया है, चलिए कोई नहीं, एन चंद्रशेखरन है या इनमें से कोई नहीं? तो अभी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का जो MD व CEO बनाया गया ये दीपेश चंदा को बनाया गया, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियां छोड़कर नहीं जाना है। हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राजेंद्र मेनन को, इंदिरा नुई को, दीपक मिश्रा को, उदय उमेश ललित को? क्वेश्चन नंबर 22, तो ध्यान रखेंगे राजेंद्र मेनन जो हैं इनको क्या किया गया है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नियुक्तियों को छोड़ना नहीं है भाई। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 11 नवंबर? क्वेश्चन नंबर 23, तो 8 नवंबर में रेडियोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यहां पर ए सही हो जाएगा। फटाफट से एकदम से है ना रिवीजन करना है। हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट हिल में दीपावली की आयोजन किया गया है, दीपावली उत्सव वहां पर मनाया गया? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड? ध्यान रखना हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हमारा जो विवाद चल रहा है ये कनाडा के साथ में चल रहा है, और कनाडा में विवाद के चलते वहां की जो पार्लियामेंट हिल है वहां पर दीपावली उत्सव को धूमधाम से मनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री का डिफेक्ट वीडियो बनाकर गलत तरीके से प्रसारित किया गया? दीपिका पादुकोण है, रश्मिका मंदाना है, कटरीना कैफ है या फिर इनमें से कोई नहीं? आप इसका आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24-5 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे SSC GD के लिए आपका फौजी बैच ये लॉन्च हो चुका है, कल आपकी डेमो समाप्त हो चुकी है, आज जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी लाइव आपकी एप्लीकेशंस पर क्लासेस चलेंगी। तो सभी बच्चे फौजी बैच के लिए क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और सभी बच्चे इससे जुड़ जाएं। मात्र 399 रुपये में आपको दिया जा रहा है, जिसमें GK GS और आपका मैथ्स रीजनिंग सभी चीज़ें यहाँ पर है भाई। रश्मिका मंदाना सही आंसर होगा। हाल ही में राज्य व केंद्र शासित विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, ध्यान रखना आपको एक चीज याद होगी, इनका नाम था पी कनन। ये किसके पूर्व रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष? तो ये पुडुचेरी के ये अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना की शुरुआत की गई? तो पुनीत हृदय जो थे ये एक अभिनेता थे जिनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया था, तो इन्हीं के नाम पर ये योजना चलाई गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में गंगा उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? यहाँ पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? इसका आंसर उत्तराखंड आंसर मत कर देना, उत्तर प्रदेश मत कर देना, क्योंकि इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा भाई। ठीक है, कभी आप इसका आंसर क्या कर दें, उत्तराखंड इसको सही कर दें। उत्तराखंड सही नहीं है, एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को
लाइक करेंगे भाई, शेयर करेंगे, जिससे क्लास एक बार ये उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो बच्चे क्लास डेली बेसिस पर नहीं ले पाते भाई, डेली बेसिस पर जो बच्चे क्लास नहीं ले पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में किस देश की वीवर्क कंपनी ने दिवालिया घोषित कर दिया गया है। ये जो वीवर्क कंपनी है इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर जापान। तो ये जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है भाई, जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है दोस्त। तो यहां पर ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, यहां का एक बैंक था सिग्नेचर बैंक, वो भी क्या हो चुका था, वो भी दिवालिया हो चुका था, आपने देखा भी होगा लास्ट जो हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड ने कब अपना स्थापना दिवस बनाया, क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान रखेंगे 3 नवंबर, 10 नवंबर, ये 9 नवंबर है यार, इसको 9 नवंबर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, 9 नवंबर 2000 में हमने स्थापना दिवस मनाया है उत्तराखंड का। हाल ही में किस देश की सरकार ने पौधारोपण के लिए देशव्यापी अवकाश घोषित कर दिया, यानी कि यहां पर हमें क्या करना है, पेड़ों का रोपण करना है, पौधों का रोपण करना है, इसलिए पूरे देश में हम एक दिन का अवकाश करेंगे। तो ये ब्रिटेन, केनिया, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ये किया गया है केनिया के द्वारा, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश की खिलाड़ी जिनके नाम है सुनील नारेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, चार ऑप्शंस हैं, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे। सही आंसर हो जाएगा आपका वेस्टइंडीज, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी थे जिनका नाम था सुनील नारेन, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है भाई, केनिया, वेरी गुड। चलिए, हाल ही में निम्न में से किसे सोमनाथ मंदिर जो है इसका ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सोमनाथ मंदिर कहां पर है, गुजरात में, उसकी जो ट्रस्ट होती है उसके अध्यक्ष बने हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। चलिए, हाल ही में निम्न में से कौन भारतीय गेंदबाज वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज गेंदबाज बने हैं, ठीक है ना, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, रविंद्र जडेजा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तेज का मतलब यहां पर क्या है, ये अपना टाइम रहते हुए यानी कि सबसे कम समय में अपने ओवर को फिनिश कर देते हैं, इसलिए इनको तेज कहा गया। तो ये है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा, यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि 50 विकेट लेने वाले, सबसे कम पारियों में 50 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बने ये कौन बने, मोहम्मद शमी। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, दोनों पर टिक कर लेना। अगर पूछे कि सबसे तेज विकेट किसने लिया 17 मैचों में 50 विकेट लेने वाले, सॉरी 50 से ज्यादा भी हो चुके हैं अब तो उनके, ठीक है, तो ये कौन है, मोहम्मद शमी है। लेकिन कम ओवर में है ना, कम समय में अपना ओवर फिनिश करने वाले बने हैं रविंद्र जडेजा, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त होने पर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया, ठीक है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे, ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। एक बार कमेंट में नाम लिखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, ठीक है ना, जिन्होंने अपना जो इस्तीफा है ये अपने प्रधानमंत्री को क्या कर दिया था, प्रधानमंत्री को सौंप, राष्ट्रपति को सौंप दिया था। हाल ही में रितु बहारी किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। तो रितु बहारी को उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है नैनीताल हाई कोर्ट का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है भाई, ऑन विच डे इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड, तो हम नेशनल एजुकेशन डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने है भाई। तो ध्यान रखेंगे ये हम 11 नवंबर में इसको सेलिब्रेट करते हैं, कब, 11 नवंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश कितने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 3 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है, टोटल संख्या फुल हो चुकी है, टोटल जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 1+33 यानी कि टोटल 34 हैं, जिनमें एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 इनकी सहायक न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं भाई, ठीक है ना। हमारे जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये DY चंद्रचूड़ हैं, कौन है, DY चंद्रचूड़ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट है भाई, समर को अभी मैंने पढ़ाया था। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र
बाहरी लेखा परीक्षक पैनल में निम्न में से किस भारतीय को चुना गया, कल ही यह क्वेश्चन पढ़ा है, तो कल क्वेश्चंस पढ़ा है तो आज गलत नहीं होना चाहिए। हमारे जो गिरीश चंद्र मुर्म है, संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, इनको क्या किया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया इस पैनल का, इस पैनल में इनको उपाध्यक्ष की उपाधि से नियुक्त किया गया है भाई। चलिए, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस देश में अपना दूतावास बंद कर दिया है, किस देश ने यहां पर दूतावास बंद कर दिया, भारत, श्रीलंका, अमेरिका या फिर नेपाल, हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की, है ना। आप सभी जानते हैं किम जोंग उन वहां के क्या है, तानाशाह हैं, ठीक है, प्योंगयांग यहां की राजधानी है, तो इन्होंने नेपाल से अपना क्या बंद कर लिया है, नेपाल से अपना राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर लिया है, जबकि भारत से अफगानिस्तान ने जो राजनीतिक संबंध है इनको समाप्त कर लिए हैं, ठीक है, पूर्ण तरीका से बंद कर चुका है, तो दोनों को याद रखना। चलिए, हाल ही में आईटीबीपी अर्धसैनिक बल कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ये 62, 61, 64 और 65वां, तो आईटीबीपी ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी, जो कि भारत और की जो सीमा लगती है चाइना और तिब्बत से, वहां की सुरक्षा के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है भाई, तो ये जीता है मैक्स वेस्टेपन ने, सर्जिया पेराज ने, लुइस हैमिल्टन ने या फर्नांडो अलोसा ने, तो ये ग्रैंड प्रिक्स जो जीता ब्राजीलियन, ये जीता है मैक्स वेस्टेपन ने, किसने, मैक्स वेस्टेपन ने इसको जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो विश्व निमोनिया दिवस है किस दिन मनाते हैं, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर, क्वेश्चन नंबर 44 सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12 नवंबर में इसको मनाया जाता है भाई। हाल ही में मूडीज ने भारत की वृद्धि दर, विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, 6.7, 6.5, 6.8 या फिर 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये मूडीज ने भारत की जो ग्रोथ रेट है इसको 6.7 प्रतिशत रहने के लिए अनुमान लगाया है भाई। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 45 का ए सही होगा। चलिए भाई, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, और ये मंथ है आपका कौन सा, ये मंथ है आपका नवंबर मंथ का, ठीक है ना, नवंबर और अक्टूबर मंथ, सॉरी अक्टूबर का किसे चुना है भाई, ये रोहित शर्मा को, ये रचिन रविंद्र है, किसे चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ या हेल मैथ्यूज को, तो ध्यान रखेंगे ये रचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया था आईसीसी के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के द्वारा इसको चुना गया था। बहुत बढ़िया भाई, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। हाल ही में अयोध्या में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, क्वेश्चन नंबर 47, 22 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर 30 लाख, तो ध्यान रखेंगे 22 लाख दिए जलाकर ये रिकॉर्ड वहां पर कायम किया गया है। हाल ही में बैंकॉक में शामिल एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते, आर्चरी की हम बात कर रहे हैं जिसका आयोजन बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुआ था, भारत ने इसमें 3 पदक जीते हैं भाई, कितने, 3 पदक जीते हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने शहरी सुधार व विकास परियोजनाओं के लिए किसके साथ $400 मिलियन का समझौता किया है, ये किसके साथ समझौता किया है भारत सरकार ने, ये एडीबी जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं उसके साथ ये समझौता किया गया है भाई, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। एडीबी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एडीबी से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, किस किस के साथ ये समझौता किया, तो यही पर ध्यान रखेंगे। फौजी बैच आपका यहाँ पर 1 नवंबर से लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें लाइव क्लासेस चल रही है, अभी 27, 28, 29 नवंबर में हमने डेमो आपको दिया था, इकोनॉमिक्स हमने आपको पढ़ाई थी, तो सुबह 7 बजे एप्लीकेशन पर आपकी, अभी जस्ट डेमो के बाद आज एप्लीकेशन से क्लास वहाँ पर स्टार्ट होगी, तो जो बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं आपको क्या करना है, फौजी बैच से जुड़ना है एसएससी मेकर पर। हाल ही में भारत बांग्लादेश की नौसेना के बीच बोंगा सागर अभ्यास का आयोजन किया गया, क्वेश्चन नंबर 50, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर फ्रांस, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ में हमने ये अभ्यास किया है भाई, बांग्लादेश के साथ में हमने ये अभ्यास किया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 51, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे, तो इसको हम मनाते हैं 17 नवंबर में, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 नवंबर सही आंसर हो जाएगा।
चलिए, हाल ही में किस टीम के खिलाड़ी और कप्तान बाबर आजम ने या बाबर आजम के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, आप जानते हैं। हाल ही में किस राज्य व केंद्र प्रदेश में पाए जाने वाले सी बर्क थॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर, गोवा, लद्दाख या फिर सिक्किम? तो ये जो फल है सी बर्क थॉर्न फल, ये किस राज्य में पाया जाता है भाई? तो ये पाया जाता है लद्दाख में। ध्यान रखेंगे, अभी किश्तवाड़ केसर जो है ये जम्मू कश्मीर का एक उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। हाल ही में एक्स कंपनी जिसका नाम है, आपको बताना है एक्स का, है ना, एक्स कंपनी ने भारत में नीतियों के उल्लंघन के मामले में कितने लाख खातों को बंद कर दिया है? हम बात कर रहे हैं ट्विटर की, तो ट्विटर ने लगभग 2 लाख खातों को नीतियों के उल्लंघन के चलते बैन कर दिया, बंद कर दिया। चलिए, हाल ही में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक 42वें अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहां पर होगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 42वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार मेला था जिसका आयोजन प्रगति मैदान में हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 18 नवंबर, या फिर 18 नवंबर, ध्यान रखेंगे। तो ये जो मनाया जाता है आपका जनजातीय गौरव दिवस, ये 15 नवंबर में इसका आयोजन किया जाता है। कब? 15 नवंबर में इसका आयोजन करते हैं भाई। बातें समझ में आई? चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करें, शेयर करें, जिससे क्लास एक बार ये सभी बच्चों तक पहुंचे। नेक्स्ट है, हाल ही में कलिंग साहित्य महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन उड़ीसा में किया जाएगा? कलिंग आप सभी जानते हो, कलिंग जो है उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, तो वहीं पर एक ये आयोजन होता है लिटरेचर को लेकर, तो ये इसके 10वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये 10वां संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा। विश्व दर्शन दिवस किस दिन मनाया जाता है? फिलोसफी डे जिसको कहते हैं, जो फिलोसफी डे है ये किस दिन मनाया जाता है भाई? तो ये 16 नवंबर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस सरकार के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है बशर अल अशद, नागरिकों को रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? यानी कि जो बशर अल असद हैं, ये सीरिया के नागरिकों को रासायनिक हथियार चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इसके चलते फ्रांस ने इन पर बैन कर दिया है, है ना, इनके राष्ट्रपति पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? बी इंपोर्टेंट पर टिक करेंगे। चलिए, हाल ही में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण ने तीसरे ऑडिट दिवस का आयोजन कहां पर किया है? तो ये तीसरा जो ऑडिट दिवस मनाया जाएगा ये नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कलकत्ता में या फिर चेन्नई में? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाना है भाई। चलिए, हाल ही में किसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनर फोरम बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया? यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक फोरम होती है ना, एक संगठन ये होता है दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, तो इसमें जो अजय कुमार हैं, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, इनको नियुक्त किया गया है। विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर कौन बने हैं भाई? क्रिकेट प्रेमी तुरंत लिखेंगे, रोहित शर्मा टोटल कितने छक्के लगा चुके हैं भाई? टोटल कितने छक्के लगा चुके हैं? और डेविड वॉर्नर कितने छक्के लगा चुके हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? जो क्रिकेट को बिल्कुल दिल से चाहते हैं, पागलपन एक अजीब सा आपको क्रिकेट को लेकर रहता है। हाल ही में खबरों में रही सिल्क क्यारा सुरंग किस राज्य में है? इसमें आप, मुझे नहीं लगता कि कोई ना जानता हो, अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो वो सच में अपने आप को धोखा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई पिछले लगभग 30 दिन के आसपास से आप देख सकते हैं कि ये एक तरीका से वहाँ पर मामला चला हुआ है। इसमें 41 मजदूरों को कल सकुशल बाहर निकाला गया, 400 घंटे का ये ऑपरेशन चला। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, सिल्क क्यारा सुरंग, जिसमें 41 श्रमिक वहाँ पर फंसे हुए थे जिनको कल निकाला गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, उत्तरकाशी, ए सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस किस दिन मनाया जाता है? अपने बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, 19 नवंबर में ये मनाया जाता है, याद रखेंगे, भूल मत जाना, वरना ये बड़ा इंसल्ट का काम हो जाएगा। हाल ही में किस एशियाई देश ने सोशल मीडिया
ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत इस पर ऑलरेडी लगा चुका है भाई, तो ये अभी किसने लगाया है? नेपाल ने इसको लगाया है। ये चाइना का एक एप्लीकेशन है, चाइना का ये एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास, जिसको हम त्रिशक्ति प्रहार कहते हैं, का आयोजन कहां पर हुआ? पुणे, जैसलमेर, अहमदनगर या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 66। तो त्रिशक्ति जिसमें तीनों सेनाएं शामिल होती हैं, आपकी थल सेना शामिल होती है, आपकी वायु सेना शामिल होती है, आपकी जल सेना शामिल होती है, तो इनका संयुक्त रूप से कोऑर्डिनेशन करने के लिए है ना, अगर कभी विपरीत स्थिति भारत पर आती है, देश पर आती है, तो ये तीनों के तीनों समन्वय स्थापित कर उस चुनौती से पार पा सकें, तो इसके लिए ये अभ्यास किए जाते हैं। हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? अशोक वाशवानी है, शशिधर जगदीशन है, दिनेश कुमार खारा है या फिर इनमें से कोई नहीं? मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही आंसर है अशोक वाशवानी। क्या आंसर है? अशोक वासवानी। बहुत बढ़िया भाई, काफी बच्चों का सही आंसर जा रहा है। बिल्कुल फोकस आपका यहां रहना चाहिए, लास्ट में देखना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, है ना। जिन बच्चों के आंसर काफी हद तक सही जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, जो मैं पूरे एक महीना पढ़ा हूं उसका मुझे आउटपुट अच्छा मिला। और आपको मैं बता दूं, जो बच्चे आज पहली बार चैनल पर आए हैं, ये तो हमारा आज मैराथन है, लेकिन डेली बेसिस पर हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के, बहुत बेहतर डीपली जाकर उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस करना है उन पर डेली बेसिस पर। क्लासेस सुबह 6 बजे आपकी क्लास होती है। सभी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एसएससी मेकर बेल आइकन का बटन दबाएंगे, जिससे आपकी जो क्लास होती है वो ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। हाल ही में चीन की वीजा मुक्त ट्रांजिट पॉलिसी में किस यूरोपीय देश को शामिल कर लिया गया है? तो वीजा मुक्त ट्रांजिट पॉलिसी में नॉर्वे को शामिल किया गया है। बिना वीजा नॉर्वे के जो लोग हैं वो यहां पर शामिल हो सकते हैं, और ये 42वां ऐसा देश बना है जो इस नीति में शामिल हुआ है। इस नीति में क्या हुआ है? शामिल हुआ है भाई। हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र के 75 निजी क्षेत्रों में 75 एक मिनट भाई, इस क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चंस का आंसर सही है हरियाणा। ये कहना क्या चाहता है कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2019-20 में यहाँ पर कानून ये लेकर आए थे कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ पर 75% आरक्षण जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए घोषित कर दिया गया था, तो उसको हाई कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ए सही होगा। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में या फिर तमिलनाडु में? क्वेश्चन नंबर 17, तो ये हरियाणा में होगा। हरियाणा में भी कहां पर होगा? फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका फिर से सी, यानी कि हरियाणा अगेन सही आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 71, तो ध्यान रखेंगे मिर्गी जागरूकता दिवस जो मनाते हैं ये 17 नवंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 17 नवंबर में इसको हम मनाते हैं। हाल ही में ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? नई दिल्ली में, ओटावा में, अबू धाबी में या फिर लंदन में? क्वेश्चन नंबर 72, तो अबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा। अबू धाबी कहां पर है? यूएई में। मोहम्मद बिन जायद अल नायन यहां के सुल्तान है भाई, दिरहम यहां की राजधानी है, सॉरी मुद्रा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादों पर रोक लगा दी है? हलाल उत्पादित प्रमाणित मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो एक विशेष समुदाय के लिए हलाल, मतलब समझते हैं ना कि ये एक सर्टिफिकेट जारी करती है कि ये वस्तु खाने योग्य है या नहीं है, यानी कि जो हमारी फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इससे अलग ये भी उन प्रोडक्ट्स को क्या करती है? जांच करती है और सर्टिफिकेट प्रदान करती है। तो भारत सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि एक राज्य में दो प्रकार की संस्थाएं इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकती, जो इलीगल है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बैन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार किस राज्य में सोने के दो भंडार पाए गए? बिहार, हिमाचल, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो ये झारखंड में पाए गए हैं दो सोने के भंडार, जबकि बिहार जमुई जिले में भी सोने के भंडार पाए गए थे भाई, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयुष मंत्रालय व किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने
पारंपरिक पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जुनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ट्रेडोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं। SSC GD एक बार फिर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, आपका जो फौजी बैच है 1 तारीख से लाइव है, 1 नवंबर से लाइव है, जिसमें आपको क्लास लाइव मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस आपको दिया जाएगा और मात्र 399 में आपको दिया जाएगा। भाई हाल ही में वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया, है ना? लता मंगेशकर पुरस्कार जो दिया गया ये किसे दिया गया भाई, बताएंगे जल्दी से, फटाफट आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है दोस्तों, जल्दी से एक बार जुड़ जाइएगा सभी बच्चे, एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से चीजें यहां पर कर रही है भाई, जल्दी से। तो ध्यान रखेंगे ये सुरेश वाडकर को दिया गया है, ध्यान रखना। और इस बार का जो आपका फाल्के पुरस्कार मिला था किसे मिला था, वाहिदा रहमान को, किसे, वाहिदा रहमान को ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान व शांति सप्ताह दिवस कब से मनाया जाता है, 10 से 16 नवंबर में मनाया जाता है, 16 से 12 नवंबर में मनाया जाता है, 12 से 18 नवंबर में, या फिर 18 से 24 नवंबर में इसको मनाया जाता है। तो ये 6 से 12 नवंबर के बीच में हम अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान व शांति सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए, विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर करना है, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं भाई, तो 21 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। फोकस होना चाहिए केवल बोर्ड पर, क्वेश्चंस पर, क्या कह रहा है, इतनी तेजी से करना है कि आप अपना पेपर 15-20 मिनट में समाप्त करें और फिर बैठ जाएं, फिर देखें लोग आपको देखें कि क्या आफत है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वायु प्रदूषण की निगरानी करने के लिए सेंसर युक्त एक्सीलेंस सेंटर आत्मन को विकसित किया है, तो ये आत्मन जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर जो होगा ये क्या होगा एक बार बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, ये IIT कानपुर ने इसको विकसित किया था, है ना, किसने, IIT कानपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया था भाई। हाल ही में नेपोलियन बोनापार्ट को आपने जरूर जानते होंगे, सुना भी होगा इनके बारे में, तो नेपोलियन बोनापार्ट का बाइकोन हैट की नीलामी कितने करोड़ में की गई, इसका नाम है बाइकोन हैट, तो इसकी जो नीलामी की गई ये 17.56 करोड़ में इसकी नीलामी की गई है, कितनी, 17.56 करोड़ में ये नीलाम हुआ है, ठीक है। 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 54वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये गोवा में इसका आयोजन किया गया था, 28 तारीख में इसका फाइनली क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, इस पर एक प्रॉपर वीडियो हम लेके आएंगे, आपको परेशान नहीं होना है भाई, वो हमारी जिम्मेदारी है, प्रॉपर तरीके से आपको चीजें कराएंगे। चलिए, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण व विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, हामिद अंसारी को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन को, तो ध्यान रखना इन दोनों को, बोथ ऑफ यू यानी कि बोथ ऑफ ही, बोथ ऑफ सी जो भी है, बोथ ऑफ इट, इनको ये प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हामिद अंसारी जी ने इसको क्या किया है, इसको प्रदान किया है। हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा गगनजीत भुल्लर, गगनजीत भुल्लर इनका नाम है, इन्होंने ये खिताब जीता है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए सही होगा। हाल ही में भारत सरकार ने मानवीय सहायता की दूसरी खेप किस देश को पहुंचाई है, आप सभी जानते हो कि हमास और इजराइल के बीच में, किसके, हमास और इजराइल के बीच में क्या चला हुआ है, जंग छिड़ी हुई है, हालांकि अभी जो कतर है, कतर की मध्यस्थता में वहां पर युद्ध विराम कराया गया, ठीक है ना, तो यहां पर ये फिलिस्तीन को दूसरी खेप इन्होंने भेजी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। चलिए,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज व व्यापार के निवेश के लिए समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर कनाडा? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी 2+2 वार्ता जो करी हमने, ये किसके साथ में करी? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में करी। इससे पहले हम अमेरिका के साथ में कर चुके हैं, ठीक है ना, कुछ समय पहले की ही बात है। सबसे पहले 2+2 वार्ता की शुरुआत हमने 2014 में जापान के साथ करी थी। किसके? जापान के साथ करी थी, ध्यान रखें। हाल ही में ओपन एआई कंपनी है के सीईओ हाल ही में किस कंपनी के साथ जुड़े हैं? सैम ऑल्टमैन के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके? सैम ऑल्टमैन जो थे, ये क्या बने थे? ये थे संस्थापक सदस्यों में से थे, और ये ओपन एआई कंपनी जो है, जो चैट जीपीटी कंपनी है, उसके ये सीईओ भी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और ये अब माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ चुके हैं। किससे? माइक्रोसॉफ्ट से ये जुड़ चुके हैं भाई। चलिए, हाल ही में किसने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन, एक्सेस जोखिम से बचने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो जोखिम वाला मामला है, ये शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो माधुबीपुरी पुछ ने इसको क्या किया है, इस एप्लीकेशंस को, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर 87 का सी सही होगा। हाल ही में एरिका रोबिन किस देश की पहली महिला बनी हैं जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं? इनसे पहले कोई भी शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2023 का जो खिताब है, ये किसने जीता है भाई दोस्त, जल्दी से बताएंगे। ये पाकिस्तान की हैं, जिनका नाम है एरिका रोबिन। थोड़ा सा नाम आपको लेटेस्ट लग सकता है, मॉडर्न लग सकता है, तो आप शायद ना जाएं कि इनका फातिमा खातून नाम होता तो हम मान लेते पाकिस्तान की है, लेकिन फिर भी इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। ये 19 नवंबर में, 18 नवंबर, 17 नवंबर या फिर 20 नवंबर? तो ये हम मनाते हैं 19 नवंबर में, विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांग कर्जदारों को कितने प्रतिशत ब्याज पर छूट की घोषणा की गई है? यानी कि दिव्यांग, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, ये अगर कोई कर्ज लेते हैं बैंक से, सहकारी समिति से या किसी वित्तीय संस्थान से, तो इनका जो भी ब्याज का रेट होगा, जैसे मान के चलें 4% है, तो इनको 1% की छूट इसमें दी जाएगी। यानी कि इनको पे करना है कितना, केवल 3% के हिसाब से इनको पे करना होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट है, थैंक्स गिविंग डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर या फिर आपका क्या हो जाएगा, 24 नवंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ये आपका होमवर्क है। भारत व किस देश के मध्य ब्रज प्रहार 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन मेघालय में आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका के साथ में हम ब्रज प्रहार करते हैं, टाइगर ट्रंप करते हैं, है ना, युद्ध अभ्यास के नाम से भी करते हैं, ठीक है। नेपाल के साथ में सूर्य ग्रहण किया जाता है, श्रीलंका के साथ में मित्र शक्ति किया जाता है, फ्रांस के साथ में गरुड़ किया जाता है। हाल ही में निम्न में से किसे सेबी का, सॉरी एसबीआई का प्रबंधक निदेशक बनाया गया? विनय एम टोसे हैं, सोमदत्त सिंह है, दिनेश कुमार खारा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 93 का ए, ये विनय कुमार टोसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनय कुमार टोसे इसका सही आंसर होगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को शुरू किया है? इन डेप्थ जाकर मैंने आपको ये समझाया था कि ये हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान है क्या, तो ये यूपी सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है फिलहाल के लिए, सॉरी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, किसका, 94 का। हाल ही में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस किस दिन हम मनाते हैं? उनकी याद, उनको याद करने के लिए, अगर उनको दुर्घटना में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर उनको मतलब एक तरीका से वो दिव्यांग हो जाते हैं, तो ये जो दिवस है ये 20 नवंबर में मनाते हैं। कब? 20 नवंबर में इसको मनाया जाता है। हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगाया गया है? तो विराट कोहली का वैक्स स्टैचू वहां पर स्थापित किया गया है भाई। बातें क्लियर हुई, चलिएगा। हाल ही में तूफान जिसका नाम है मिधली कहां पर आया?
क्वेश्चन नंबर 97, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तो ये बंगाल की खाड़ी में अगर देश पूछ लिया जाए तो बांग्लादेश के तट से ये टकराया है, है ना, बांग्लादेश के तट से टकराया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, बी सही हो जाएगा। लचित दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं, लचित बोरफुकान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये किस दिन मनाया जाता है, ये 24 नवंबर में भाई दोस्तों मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में इजराइल व हमास के बीच में 4 दिनों के लिए युद्ध विराम संघर्ष पर सहमति बनी है, तो ये कतर ने मध्यस्थता दिखाई है दोनों के बीच में युद्ध विराम संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए। चलिए भाई, आपको ध्यान रखना है कि AU रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका अवैध रूप से रहने वाले नागरिकों की संख्या के में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। ध्यान से सुनिएगा, एक यहाँ की कंपनी है जिसका नाम है AU, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि अमेरिका के अंदर अवैध रूप से रहने के मामले में सबसे ज़्यादा या सबसे पहले नंबर पर क्या है, मेक्सिको के निवासी हैं, दूसरे नंबर पर अल सेल्वाडोर है और तीसरे नंबर पर भारतीय हैं। इन तीनों को कर्म से याद कर लेना, इन तीनों को कर्म से याद कर लेना, क्वेश्चंस बन सकता है। ध्यान रखेंगे SSC GD 2023-24 के लिए आपका फौजी बैच आपके लिए यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, जो बच्चा अभी तक इनरोल नहीं हुआ है वो एक बार जाकर इनरोल हो जाइएगा। चलिए भाई, हाल ही में भारत के किस स्वदेशी INS से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ पर लॉन्च कर देखा गया, इससे किससे, INS इम्फाल से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हाल ही में संत मीराबाई का 23 नवंबर को कौन सी जयंती मनाई गई, तो जो संत मीराबाई थी 23 नवंबर को इनकी 525वीं जयंती के रूप में मनाया गया, है ना, 525वीं जयंती के रूप में मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में ल्यूक फ्रिडेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ल्यूक फ्रिडेन जो है ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण कब से मनाया जाता है, यानी अफ्रीका औद्योगिक क्रांति दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, 20 नवंबर, 19 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 22 नवंबर, जल्दी से आंसर करेंगे, 525वीं आपको अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस जो मनाते हैं किस दिन मनाते हैं, एक बार कमेंट में आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आज का ये होमवर्क के रूप में हम प्रदान कर रहे हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस, जो महिलाएं हैं आंसर करें, 25 नवंबर, 24 नवंबर, 23 नवंबर या फिर 26 नवंबर, ठीक है। अपने बारे में तो कम से कम आपको पता होना चाहिए भाई कि हमारे लिए जो सरकारें कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, क्या करना है हमको, है ना, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी अनिवार्य है। जल्दी से आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है, कब 25 नवंबर में मनाते हैं भाई। हाल ही में सोमशेखर सुंदरेशन किस राज्य के हाई कोर्ट के जज बने हैं, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बनाए गए हैं जिनका नाम है सोमशेखर सुंदरेशन। चलिए, हाल ही में वन्य जीव तस्करी को रोकने के लिए भारत, भूटान व किस देश ने मिलकर समझौता किया, तो ये हमने नेपाल और भूटान और भारत ने, इन तीनों देशों ने मिलकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, हाल ही में नई दिल्ली में डिजिटल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो का उद्घाटन किसने किया, राजनाथ सिंह ने, निर्मला सीतारमन ने, अनुराग ठाकुर ने या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। हाल ही में वैश्विक पेशावर लेखाकार सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, गांधीनगर, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई, तो अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। और मत्स्य सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर हुआ था, मत्स्य सम्मेलन का आयोजन भी अहमदाबाद में ही हुआ था। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में जो अग्रणीय राज्य इस बार रहा, शीर्ष राज्य रहा, ये उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया। दो पलकों की छांव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भाई, हेमा जोशी के, अरुंधति रॉय के, विक्रम सेठ के या फिर इनमें से कोई नहीं, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किसके द्वारा इसको लिखा गया है, दो पलकों की छांव जो पुस्तक है ये किसने लिखा है,
ये किसने लिखा है भाई, बताएंगे एक बार ये किसके द्वारा इसको लिखा गया है, एक बार सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से आंसर करना है सभी बच्चों का। तो हेमा जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेमा जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ध्यान रखेंगे। तो ये था आज का आपका सेशन, आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कोई क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आता तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ध्यान रखेंगे आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास चलती है ये सुबह 6 बजे चलती है भाई। मज़ा आया या नहीं पहले ये बताइएगा भाई, आपको इन्जॉयमेंट हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बताएं जल्दी से बताएंगे कैसा महसूस कर रहे हैं, घंटे की क्लास में 110 क्वेश्चन हमने किए तो आपको कैसा लग रहा है भाई, बातें नहीं हुई केवल और केवल क्या हुआ, रिवीजन हुआ, ठीक है ना, केवल और केवल रिवीजन हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, छोड़कर नहीं चलना है एक भी क्वेश्चंस को, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं चलना। सभी बच्चे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे अभी आपका 7 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, तो सभी बच्चे बिल्कुल नहा धोकर खा पी कर तैयार रहिएगा, अभी 4 मिनट के बाद हम क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। तो SSC GD के लिए फौजी बैच आपका यहाँ पर लाइव हो चुका है 1 नवंबर से, जिसमें क्लासेज लाइव मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेगा। कल तक आपका डेमो था तो डेमो आज समाप्त हो चुका है, अब एप्लीकेशंस पर आपको क्लास मिलेगी भाई, ध्यान रखेंगे। तो सभी बच्चे क्लास एप्लीकेशन से जुड़ी है जो इनरोल नहीं हुए हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो क्लासेस चलती है 8:00 बजे बिल्कुल बेसिक से यूट्यूब पर ये क्लासेस होती हैं, बहुत बेहतर तरीके से आपको क्लासेस वहाँ पर कराई जाती हैं। यहाँ पर याद रखेंगे कि आपके कुछ लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे SSC में अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक है, या आपका इंस्टाग्राम के लिए लिंक है, या आपका फेसबुक लिंक है, या आपका टेलीग्राम लिंक है, या आपका ट्विटर लिंक है, या आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, है ना, बेल आइकन का आप बटन दबाएंगे जिससे क्लास राजस्थान कब आ रहे हैं भाई, राजस्थान भी आएंगे दोस्त बिट्टू, आपको जरूर संपर्क किया जाएगा जब राजस्थान में हम जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, PDF कहाँ मिलता है आपको, एप्लीकेशंस पर मिलेगा, SSC मेकर एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो ये लिंक मैंने आपको बताया इस लिंक से कर सकते हो, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, ये क्लास कम से कम उन तक पहुँचे जो बच्चे अभी भी अनजान हैं करंट अफेयर से, नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ने से बचते हैं। मैं आपसे फिर एक बार यही कहना चाहूँगा कि भाई करंट अफेयर्स से बचना नहीं है, उसको पढ़िए, बिना पढ़े आप सफल नहीं हो पाओगे, थोड़ा सा समझिएगा बात को, जो आप बार बार 1, 2, 2, 4 नंबर से रह जा रहे हो ये वही लूप होल्स हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। कहीं से भी पढ़िए, मुझे ये मतलब वो नहीं है कि भाई आपको यहीं पढ़ना है, जहाँ भी आपका मन लगता है, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।